सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये है Noise Shorts X Buds, ये एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और यहाँ पर आपको IPX5 की रेटिंग भी दी गई है और ये वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे कि ये जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है जो कि ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, ये कैसा है। और दोस्तों यहाँ पर हम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स कनेक्ट करके आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर अगर आप पबजी गेम खेलते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन चैनल मिल जाए। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग Noise Shorts X Buds ट्रू वायरलेस ईयरबड्स और आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। दोस्तों ये है Noise Shorts X Buds ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है और इसकी बॉक्स पैकिंग काफी बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर लिखा है Noise Shorts X Buds नेक्स्ट जनरेशन इन ईयर हेडफोन और यहाँ पे लिखा है #Hashtag Music Every Day। बात करें यहाँ पे बैक में तो कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लूटूथ वर्जन 5.0 सपोर्ट करता है और यहाँ पर जो इसका ब्लूटूथ रेंज है वो है 10 मीटर और यहाँ पर जो हमारे ईयरबड्स हैं राइट और लेफ्ट, यहाँ पे आपको 45mAh की ईच बैटरी दी गई है और यहाँ पर जो चार्जिंग केस है वो यहाँ पर आपको 650mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है। ईयरबड्स चार्जिंग टाइम है 1.5 घंटे और यहाँ पे प्लेबैक और टॉक टाइम है 4 आवर्स और यहाँ पर ये IPX5 की रेटिंग के साथ में आता है। बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका MRP है वो है 6999। हमने इसे मंगाया अमेजोन इंडिया से और हमें पड़ा है 3500 रुपये, 3500। काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये बॉक्स और चलिए करते हैं इसे ओपन और आपको बताते हैं कि ये जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है ये कैसा है और बॉक्स कंटेंट में आपको क्या मिलता है ये जो Noise Shorts X Buds है। दोस्तों बॉक्स कंटेंट में आपको मिल जाता है Noise Shorts X Buds, काफी बढ़िया लग रहा है, लाइट वेट है और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है जैसा कि आप देख रहे हो। Noise की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। चलिए इसे ओपन करते हैं और ये है हमारे ईयरबड्स, काफी बढ़िया लग रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। ये है राइट और ये है लेफ्ट, इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ आपको मिल जाता है USB to Micro USB केबल इसे चार्ज करने के लिए और ये काफी बढ़िया लग रहा है जैसा कि आप देख रहे हो, इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है यूजर मैनुअल, तो आप इसे पढ़ के ये जो Noise Shorts X Buds है इसे आप ऑन कर सकते हो और इसका उपयोग कर पाओगे। और यहाँ पे आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिए गए हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आपको एक कार्ड दिया गया है रजिस्टर योर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप ये जो QR कोड है इसे आप स्कैन करोगे तो आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है, तो आप इसे पढ़ सकते हो और ये QR कोड यूज कर सकते हो। तो दोस्तों बॉक्स कंटेंट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा Noise Shorts X Buds, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो और इसके पीछे आपको USB to Micro USB का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इसके अंदर में आपको 650mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी दी गई है और आप यहां पर जैसा कि देख सकते हो कि यहां पर है हमारे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, Noise की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। ये है राइट और ये है हमारा लेफ्ट, इसे चलिए निकाल लेते हैं और ये जो केस है इसे हम साइड में रखते हैं। और ये जो हमारे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं यहाँ पर आपको 45mAh की ईच बैटरी आपको मिल जाती है जैसा कि आप देख रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर Noise की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको फिल्म चढ़ा हुआ है, तो ये जो फिल्म है आपको इसे रिमूव करना है। चलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर आपको रिमूव करना है इसे और काफ़ी इजीली आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ये हमने किया है लेफ्ट वाले को और यहाँ पर अब हम राइट वाले को भी रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद ये जो हमारे
चार्जिंग पॉइंट है, अब आप इसे इस डॉक में लगा करके इजीली चार्ज कर पाओगे। चलिए ये जो लेफ्ट वाला है हम लेफ्ट में लगा देते हैं और ये जो राइट वाला है हम इसे राइट में लगा देते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अब ये चार्ज करने के लिए रेडी है। तो जो फिल्म चढ़ा हुआ था जब आप उसे हटाओगे तो वहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट है वो आपका चार्ज लेना चालू कर देगा। यहाँ पर जो हमारे ईयरबड्स हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और ये प्लास्टिक और मेटल का बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये प्लास्टिक यहाँ पर और ये जो मेटल है इसका बना हुआ है। ये है हमारा राइट और ये है लेफ्ट। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो जो हमारे ईयर टिप्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ये आपके कानों में काफ़ी बढ़िया से फिक्स होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कर्व दिया गया है और ये डिज़ाइन कर्व होने के कारण आपके कानों में ये काफ़ी बढ़िया से फिट हो जाते हैं। अब दोस्तों ये पेयरिंग के लिए रेडी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केस दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक चार्जिंग है और ये काफ़ी बढ़िया से फिक्स हो जाता है। चलिए ये जो राइट वाला है हम इसे यहाँ पर इजिली लगा लेते हैं। इस तरीके से आप इसे लगा पाओगे जैसा कि आपने देखा। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक चार्जिंग है और ये गिरेगा भी नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी बढ़िया से फिक्स हो जाता है तो ये गिरने वाला भी नहीं है जब तक आप इसे नहीं निकालोगे। तो यहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, कॉम्पैक्ट है, आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हो। अब दोस्तों ये जो हमारे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं यहाँ पर आपको टच पैड दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको कोई भी डेडिकेटेड बटन नहीं दिया गया है म्यूज़िक और कॉलिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर आप म्यूजिक को टच पैड की तरह कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहां पर प्ले और पॉज करने के लिए यहां पर आपको लेफ्ट वाले को या तो राइट वाले को डबल टैप करना है और यहां पर प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए आपको लेफ्ट वाले को 3 बार टैप करना है और यहां पर आपको नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए ये जो राइट वाला है इसे आपको 3 बार टैप करना है और यहां पर वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए ये जो राइट वाला है आपको सिंगल टैप करना है, 1 बार दबाना है और यहां पर वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए ये जो लेफ्ट वाला है उसे 1 बार टैप करना है। और यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट के लिए आप राइट वाला या लेफ्ट वाले को यूज़ कर पाएंगे, सिर्फ आपको 1 बार टच करके होल्ड करना है। तो यहाँ पर आप म्यूजिक को कंट्रोल कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आपको कॉल कंट्रोल के लिए भी सेम फंक्शन यूज करना है। जैसा कि आप देख सकते हो आपको टैप करना है और यहाँ पर कॉल करने के लिए एंसर ए कॉल यहाँ पर आपको राइट वाले को या लेफ्ट वाले को 1 बार सिंगल टैप करना है और यहाँ पर कॉल को रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट वाले को या तो राइट वाले को आप 2 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे तो आपका जो कॉल है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और कॉल को एंड करने के लिए यहाँ पर राइट वाले को या लेफ्ट वाले को आपको डबल टैप करना है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉल को म्यूट करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट वाले को या राइट वाले को आपको 4 सेकेंड के लिए टच एंड होल्ड करना है तो आप यहाँ पर कॉल को म्यूट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने कॉलिंग फंक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे दोस्तों। इसके अंदर में 650 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और ये जो हमारे ईयरबड्स हैं यहाँ पर 45 mAh की ईच बैटरी आपको दी गई है तो काफ़ी बढ़िया है। अब चलिए हम इसे अपने मोबाइल से पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग करने के बाद आपको बताएंगे कि यहाँ पर म्यूज़िक क्वालिटी कैसी है, बेस कैसा है और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन आपको कैसा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम पबजी गेम खेलेंगे इसे कनेक्ट करके और देखेंगे कि यहाँ पर जब हम पबजी गेम खेलते हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी रहती है, जो कनेक्टिविटी है वो कैसी रहती है। चलिए ये जो नॉइस सॉर्ट्स एक्सबर्ट्स है हम इसे अपने मोबाइल से पेयरिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो हमारे ईयरबड्स हैं इसे आपको निकाल लेना है। और चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। और ये जो चार्जिंग केस से निकालने के बाद अब आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको जाना है अपने ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आपको सर्च करना है। चलिए हम सर्च कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर शो कर रहा है जैसा कि आप देख रहे हो नॉइस सॉर्ट्स एक्सबर्ट्स। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पेयरिंग हो रहा है और हमारा जो नॉइस सॉर्ट्स एक्सबर्ट्स है वो यहाँ पर पेयरिंग हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। इन यूज कॉलिंग एंड प्लेइंग मीडिया बैटरी लेबल 90%। तो दोस्तों चलिए ये जो नॉइस सॉर्ट्स एक्सबर्ट्स है हम इसे अपने कानों में पहन लेते हैं और मैंने इसे ऑलरेडी अपने मोबाइल से पेयरिंग किया हुआ है।
तो ये जो राइट वाला है आपको इस तरीके से पहनना है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी इजी आप अपने कानों में इसे पहन सकते हैं। और यहाँ पे डिज़ाइन आपको कर्व दिया गया है तो आपके कानों में ये काफ़ी बढ़िया से फिट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है राइट और ये है हमारे लेफ्ट ईयरबड्स। चलिए अब यहाँ पर हम प्ले करते हैं म्यूज़िक और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी कैसी दी गई है, बेस कैसा आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो म्यूज़िक है अभी यहाँ पर 80% वॉल्यूम में मैंने इसे प्ले किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बेस आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है और जो म्यूज़िक क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। वोकल्स एकदम क्रिस्टल और क्लियर है, नो डाउट यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी मुझे बढ़िया लगी। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, 100% कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को 100% कर दिया है। जी हाँ, लाउड म्यूजिक आपको दिया गया है, नो डाउट। और यहाँ पर जो वोकल्स है काफ़ी बढ़िया, ये जो म्यूजिक है आप इसे एकदम क्लियर सुन पाएंगे, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अब चलिए यहाँ पर हम प्ले करेंगे पबजी गेम और यहाँ पर देखते हैं कि जब आप पबजी गेम खेलते हो यहाँ पर इसे कनेक्ट करके तो ये वायरलेस कैसा काम करता है। मैं इसे 6 से 7 दिनों से यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने बहुत सारे गेम्स प्ले किए हैं और यहाँ पर जो म्यूजिक है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जब आप गेम खेलोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो आपको बहुत बढ़िया दी गई है। ब्लूटूथ 5.0 के साथ में आता है और यहाँ पर जो इसका रेंज है वो भी बहुत बढ़िया है। कनेक्टिविटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी बढ़िया है। जो आपका चार्जिंग केस है उसके अंदर में 650 mAh की बैटरी मिलती है और आप अपने ईयरबड्स को 4 से 5 बार चार्ज कर पाओगे। एक बार आप चार्ज करते हो तो 4 घंटे तक आप नॉन स्टॉप यहाँ पर म्यूजिक और गेमिंग परफॉर्मेंस ले पाओगे। ओवरऑल यहाँ पर जो क्वालिटी है मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है और यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसीलिए दोस्तों ये मुझे काफ़ी पसंद आया और गेमिंग खेलने के दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये था हमारा अनबॉक्सिंग नॉइस सॉर्ट्स एक्सबर्ट्स का। ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और यहाँ पर जो इसका ब्लूटूथ रेंज है वो है 10 मीटर और IPX5 की रेटिंग के साथ में आता है। यहाँ पर ये स्वेट प्रूफ है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर म्यूजिक की, तो यहाँ पर बेस काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है, जैसा कि हमारे इंडियन यूजर्स को पसंद आता है। वोकल्स एकदम क्रिस्टल और क्लियर आपको दिए गए हैं और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है वो भी काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो साउंड है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर मैंने पबजी गेम भी खेल के आपको दिखाया और मुझे कनेक्टिविटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, तो यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया से काम करता है। इसका जो प्राइस है वो 3700 रुपये है, 3700, और मैंने इसे मंगाया था 3500 रुपये में, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऑफर था तो इसका प्राइस अप डाउन होता रहता है। आप इसे अमेजोन इंडिया से परचेज कर पाएंगे, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। और अगर आप एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करते हैं यहाँ पे कॉलिंग की, तो कॉलिंग के दौरान यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है काफ़ी बढ़िया है, जो नॉइस आइसोलेशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया से काम करता है। अगर मुझे इसे रेटिंग देना होगा तो यहाँ पर मैं इसे रेटिंग देना चाहूँगा 5 में से 4.5, और यहाँ पर मैंने 5 में से 4.5 जितने भी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को मैंने यहाँ पर रिव्यू किया है तो आप उसे आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है मी बैंड 4 का, तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना करके और यहाँ पर उसका गिव अवे आपको दिया है, मैं उसका 4 पीस ऑलरेडी गिव अवे कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो बस दोस्तों मैं परितोष थानी साइनिंग ऑफ।